नमस्कार दोस्तों, आज हम 12 इंची जो स्पीकर है इसको कैसे रिकॉइलिंग करते हैं तो देखेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे स्पीकर रिकॉइलिंग के लिए आए हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं एक स्पीकर रिकॉइलिंग करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए, यहाँ पर 12 इंची स्पीकर है और इसके लिए हमें एक स्पाइडर कॉयल और जम्पर वायर और एक कोन लगेगा 12 इंच का। तो सबसे पहले हमें इस तरह से इसको यहाँ पर जो कॉइल होती है ये पहले स्पीकर के अंदर ये जो होल होता है उसके अंदर डाल के हमें देखना पड़ेगा कि ये कंप्लीट बैठती है या नहीं, क्योंकि जब हम कॉइल अंदर डालते हैं तब थोड़ा भी अंदर से या बाहर से उसको टच नहीं होना चाहिए। ये रिकॉइलिंग का सबसे पहले गणित होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम जब कभी कॉइल को सेट करते हैं तो इस तरह से इसको ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है कि कहीं टच होती है या नहीं होती है। तो उस तरह से इसको सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद उसको ग्लू लगा के उसको सेटिंग करने के बाद फिर हम उसको कोन लगाएंगे। तो चलिए कैसी प्रोसीजर है सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कॉइल को सेट कर लिया है जहाँ पर वो एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ग्लू लगा देते हैं और थोड़ा एक दो मिनट के बाद इसको फिर हम कोन डालेंगे यहाँ पर 12 इंच का। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा सेट करते हैं। ओके, नीचे भी मैंने पहले से ग्लू डाला था तो वो अभी सेट हो रहा है। तो चलिए, अभी वो थोड़ी देर में ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पर सेट होने के बाद ये जो होल है ये थोड़ा छोटा था तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और ये देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह से ये लगा के इसको ग्लू भी लगा दूंगा यहाँ पर। जो सॉल्यूशन होता है अच्छे क्वालिटी का होता है तो जल्दी स्पीकर निकलता नहीं है, जो पर्दा होता है स्पीकर का, तो उसके लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। या बेस कभी इसके अंदर चलाते हैं, बेस बजता है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि 12 इंच का स्पीकर है। तो यहाँ पर अभी इस तरह से मैंने ये जो 12 इंच का स्पीकर है ये अभी मैं बनाने लगा हूँ, और कैसे बनाते हैं पूरा इसका प्रोसीजर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और जो भी नए टेक्नीशियन भाई है उनके लिए ये जो वीडियो है अच्छी तरह से साबित होने वाला है। तो कैसे स्पीकर भरते हैं, कैसे इसके ये जो भरने की प्रोसीजर है वो मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, तो जब ये सॉल्यूशन पूरी तरह से हम यहाँ पर लगाते हैं उसके बाद इस तरह से ऐसे यहाँ पर इसको घुमाना है और एक दो मिनट के बाद ये अपने आप से थोड़ा सा प्रेस करने के बाद चिपक जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें अभी दो और दो चार होल यहाँ पर मारने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चार होल क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमें ये जो कॉइल है इसके जो पॉइंट है यहाँ पर इसको फिटिंग करना है। कुछ कुछ टेक्नीशियन दो ही पॉइंट करते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं होता। यहाँ पर चार पॉइंट इसीलिए करना है क्योंकि ये देखिए, एक पॉइंट से हम जम्पर वायर नीचे डालते हैं और दूसरे पॉइंट जो होता है उसको इस तरह से नीचे करके ये परफेक्टली बैठ जाता है, क्योंकि वो हिलता डुलता नहीं है, अच्छी तरह से सेट हो जाता है। ओके, तो दोनों भी जो जंपर वायर है इस तरह से करना है, जबकि मैं अभी करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा मैंने कैसे इसको ज्वाइंट किया है। क्योंकि ज्वाइंट करने में ये ऐसा, अभी देखो यहाँ पर मैं ज्वाइंट करता इसको शोल्डरिंग कर देता तो ये भी चल जाता, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता, कुछ दिन में ये थोड़ा सा वाइब्रेट होके कॉइल टूट जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी ग्लू इसका निकल जाता है तो हिलता है और हिलने के बाद ये टूट जाता है, तो हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर है ये करके देखो तो स्पीकर अच्छी तरह से बन जाएगा। ओके,
तो ये मेरी टेक्निकल है, इस तरह से मैं इस तरह से स्पीकर भरता हूँ सब, तो अच्छी तरह से रिक्वायरिंग हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत सारे स्पीकर मैं भरता हूँ। ओके, तो ये देखिए इस तरह से 4 होल लगते हैं यहाँ पर। मैंने बोला था आपको 4 होल किस लिए लगते हैं, इसीलिए 4 होल यहाँ पर लगते हैं। मतलब जो जम्पर वायर होती है ना, हिलती नहीं है, इससे हम कभी इसी इस तरह से करेंगे तो टाका लगाते हैं ना, हम वैसे लगता है। ओके, तो अभी ये होने के बाद हम यहाँ पर शोल्डरिंग भी कर देंगे, जहाँ पर ज्वाइंट हमने किया है जम्पर वायर और कॉइल का। और ये ज्वाइंट बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ज्वाइंट कभी हम लूज कॉन्टेक्ट या कुछ ऐसा शोल्डरिंग, कुछ कुछ लोग तो शोल्डरिंग भी नहीं करते, उसको खाली ज्वाइंट कर देते हैं, बस उसके अंदर ग्लू डाल देते हैं, तो ये अच्छी तरह से नहीं टिकता, फिर उसको शोल्डरिंग होना ही जरूरी है। ओके, तो चलिए अभी मैं शोल्डरिंग किया हूँ, अभी देखते हैं कि आगे कैसे करना है इसको। ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर कर दिया है। अब ये सब ज्वाइंट होने के बाद देखिए, एक अपना पेपर लेना है जो हम मोटर रिवाइंडिंग के लिए लेते हैं, तो ये पेपर ऐसे डाल के हमें देखना है कि कहीं ये एक साइड में तो कॉयल नहीं हो चुका है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से ये पेपर अच्छी तरह से अंदर से घुमाना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कितना एकदम स्मूथ हो चुका है, कहीं ये टच नहीं हो रहा है दोनों साइड से, आगे से ना या पीछे से, अंदर से ना बाहर से। ओके, तो चलिए इस तरह से अभी ये प्रोसीजर तो हो चुका है, आगे चलते हैं। ये देखिए ऊपर से ऐसा दिख रहा है, अभी मैंने जैसे बनाया है इसको, थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने ये जो पॉइंट है ये किया है। देखिए तो इससे कॉयल एकदम फिटिंग हो जाती है, और अभी इसके अंदर हम ग्लू डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डालने के बाद ये एकदम परफेक्टली ओके हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको पूरी तरह से इसको ग्लू डाल के यहाँ पर हमें पूरा बनाना है इसको, और ग्लू डालते समय अंदर एक भी पॉइंट या इसका कुछ एक थेम जो होता है ग्लू का, नहीं जाना चाहिए, ये ख्याल में रखिएगा। एक ग्लू थोड़ा भी अंदर जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये लगा दिया ग्लू। स्पीकर भरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 1 घंटे में हो जाता है। मैं तभी कुछ कुछ पॉइंट ही इसके लिया है, बहुत ज़्यादा लाइव वीडियो लेता तो कम से कम 1 घंटे का तो बन ही जाता, और आप भी बोर हो जाते। तो मैंने जो जो पॉइंट यहाँ पर लेना है वही पॉइंट यहाँ पर मैंने लिए हैं वीडियो में, जो आपको बताने चाहिए या बताने लायक होते वही पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अपना स्पीकर रेडी हो चुका है, अभी पूरा नहीं रेडी हो चुका, थोड़ा बाकी है, लेकिन लगभग अपना स्पीकर जो है ग्लू लगाने के बाद 70% हो ही जाता है। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर एक कैप लगा देना है इस तरह से। ओके, एक कैप लगा दिया मैंने, जब हम कभी कैप लगाएंगे तो एक ख्याल में रखिएगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है जो जहाँ पर हमें शोल्डरिंग करना होता है, तो उसको पलटी मत करना, क्योंकि पलटी करेंगे तो ये ग्लू जो होता है गीला होता है, ये अंदर जा सकता है कॉइल के अंदर, तो ये कभी भी ख्याल रखिएगा। तो जो नीचे वाली जो शोल्डरिंग होती है जहाँ पर हम एम्पली के वायर लगाते हैं, वो एक तो शोल्डरिंग एक 5-10 मिनट के बाद करना है सूखने के बाद, नहीं तो फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद करना है, नहीं तो ग्लू लगाने से पहले वायरिंग करके फिर इसको ग्लू लगाना है। ओके, देखिए अभी मैंने वीडियो में देखा है वैसा
आपको लगेगा कि तुरंत मैंने किया है, लेकिन तुरंत नहीं किया है, थोड़ी देर बाद किया है सूखने के बाद, लेकिन वीडियो में वैसा दिखता है। ओके, तो ये इस सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा जहाँ जहाँ पर हमने हमको लगता है कि यहाँ पर नहीं चिपका, तो यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देंगे। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सूखने के बाद यहाँ पर ये जो वायरिंग है यहाँ पर करना है। अभी यहाँ पर जो इसके अंदर जो होल है ये हुए हैं छोटे, और मैंने जो जम्पर वायर लिया है थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लिया है, और वो जो जाड़ वायर मेरे पास थी तो ये होल के अंदर नहीं घुसने वाली। अभी हमको दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए। देखिए यहाँ से, क्योंकि ये जम्पर वायर लगाएंगे तो ये जम्पर वायर जलती नहीं है और ख़राब भी नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ा सा जाड़ यूज़ किया है, जो डीजे की एम्पलीफायर या सॉरी डीजे की जो स्पीकर होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही जम्पर वायर यूज़ किया है। तो ये नीचे से जो होल होते हैं इसके इसके अंदर नहीं जाती, तो इसलिए बाहर से मैंने ये लगा दिया है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कैसे ही लगाए उससे कोई मतलब नहीं बनता, स्पीकर ज़्यादा सर्विस देना चाहिए यही अपना मकसद होता है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से मैंने शोल्डरिंग किया है, और जो ज़्यादा पॉइंट है उसको भी हम काट देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो शोल्डरिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये शोल्डरिंग हो चुकी है, और देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट यहाँ से मैं काट देता हूँ जो ज़्यादा थे उसको। ये हमारा पूरी तरह से ये जो स्पीकर है अभी बन चुका है, और मैं पूरा बनने के बाद भी इसका लुक आपको दिखाऊंगा, जो मैंने कुछ इसके अंदर दिखाया नहीं है वो भी दिखा दूंगा। देखिए ये अभी कंटिन्यूटी लिया है मैंने, कंटिन्यूटी कम्प्लीटली ओके हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से ये जो स्पीकर है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, बन चुका है, अभी ये बजने लायक भी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा गिल्ला है। ओके, ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक के बारे में वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल पर, तो आपको दिख सके इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।